नमस्कार, आप सभी का DHP न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। हिमाचल की हर बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरें। हिमाचल में चार दिन बारिश बर्फबारी, 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। प्रदेश में चार दिन तक बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 26 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर व लाहौल स्पीति में 25 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 26 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि 25 नवंबर को इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं रविवार दोपहर बाद से शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में मौसम खराब होना शुरू हुआ, इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए घर घर जाएंगी 8000 टीमें। हिमाचल प्रदेश सरकार 25 नवंबर से 27 दिसंबर के बीच कोरोना वायरस, तपेदिक, कुष्ठ रोग, शुगर और उच्च रक्तचाप के रोगियों की पहचान करने के लिए घर घर सर्वेक्षण करेगी। सरकार ने इसके लिए 8000 टीमों का गठन किया गया है। हर टीम में 2 सदस्य होंगे। इस दौरान टीमें घर घर जाकर कोरोना मरीजों की पहचान करेंगी। अभियान का शुभारंभ 24 नवंबर को शिमला के विज मैदान से होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हिमाचल की राजधानी शिमला में बंद रहे बाजार। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हिमाचल की राजधानी शिमला में जिला प्रशासन के फैसले के अनुसार रविवार सुबह से ही बाजार बंद रहे। प्रशासन ने आगामी आदेशों तक हर रविवार को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया है। हालांकि जरूरी वस्तुओं जैसे दूध, दही, दवाइयों, सब्जी और ग्रोसरी की दुकानें, मीट, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे। यह आदेश पूरे जिले में लागू किया गया है। नहीं आए सैलानी, हिमाचल में कुल्लू मनाली के 200 होटल फिर बंद। हिमाचल की पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली में खुलने के एक माह बाद भी 200 होटल फिर बंद हो गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और सैलानियों का ना आना इसका कारण बताया जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर पर्यटन नगरी मनाली में पड़ा है, जहां करीब 100 मध्यम और छोटे स्तर के होटलों पर ताला जड़ दिया है। वहीं जिला कुल्लू में पिछले 8 माह से 1500 से अधिक होटल और होम स्टे बंद पड़े हैं। ये होटलियर कोरोना की वैक्सीन आने तक अपने होटलों को खोलना नहीं चाहते। हालांकि बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, लेकिन छोटे व मीडियम स्तर के होटलों की ऑक्यूपेंसी अभी भी शून्य के आसपास है। उधर जिला कुल्लू के साथ ऊझी घाटी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। यही वजह है कि मनाली के स्थानीय होटलियरों ने अपने परिवार की सुरक्षा को देखते हुए कारोबार को बंद कर ताला लगा दिया है। हिमाचल में अब मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। कुफरी में लगा डॉपलर वेदर रडार। हिमाचल में अब मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। राजधानी शिमला से सटे कुफरी में शनिवार को प्रदेश का पहला डॉपलर वेदर रडार लगाया गया। अभी तक पटियाला के रडार से ही प्रदेश में मौसम का पूर्वानुमान तय होता था। अब बारिश, बर्फबारी, अंधड़, ओलावृष्टि और बिजली गरजने तक की सटीक जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र शिमला को मिलेगी। मंडी और डलहौजी में भी ऐसे रडार स्थापित करने की योजना है। बॉर्डर पर फिर सख्ती की तैयारी। कोरोना लक्षण वालों की नहीं हो सकेगी हिमाचल में एंट्री। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार फिर से कठोर कदम उठाने की तैयारी में है। सीमाओं पर फिर से बंदिशें लगाई जाएंगी। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाएंगे उन्हें हिमाचल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सीमा पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है। दरअसल सूबे में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सप्ताह के भीतर मौत का आंकड़ा 1.2 से बढ़कर 1.6% हो गया है। एक्टिव मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शिमला, मंडी और कुल्लू में कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसका कारण लोगों की ओर से लापरवाही बरतना भी है। कई लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। सरकार मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को 500 से 1500 करने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए ताकि लोग अपनी जिम्मेवारी समझ सके। तो आप सभी से मेरी भी अपील है कि कृपया मास्क जरूर पहने। शराब पीकर नाके पर ड्यूटी दे रहे 2 पुलिस कर्मचारी निलंबित। रात को नाके पर शराब पीकर ड्यूटी करने के आरोप में 2 पुलिस कर्मचारी निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा अरुण कुमार ने दोनों के खिलाफ विभागीय जांच भी बिठा दी है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक दोनों को लाइन हाजिर किया गया है। शनिवार रात
एसपी शहर में लगने वाले नाकों और गश्त की जांच पड़ताल करने पहुंचे थे। भरमौर चौक पर लगाए नाके पर तैनात दो पुलिस कर्मचारियों से बात करने पर इनके शराब पीने का शक हुआ। उन्होंने दोनों का चंबा मेडिकल कॉलेज में मेडिकल करवाया। जांच में शराब पीने की पुष्टि होने के बाद दोनों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। ऊना में 8 माह बाद बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, विदेशी खिलाड़ी भी आएंगे। कोरोना के चलते 8 माह से बंद पड़ी खेल गतिविधियां 25 नवंबर को प्रदेश फुटबॉल आई लीग के साथ बहाल हो जाएंगी। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में होने वाला यह पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा। प्रदेश फुटबॉल संघ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यदेव शर्मा सहोड़ ने बताया कि बिना दर्शकों के खेले जाने वाले टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला पांवटा यूनाइटेड FC और साई कांगड़ा FC के बीच होगा। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले हरोली वीर क्षेत्र के खड फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे। हिमानी का MBBS में चयन, कड़ी मेहनत से पूरा किया सपना। विकासखंड महिला के छोटे से गांव बदला गांव की रहने वाली हिमानी ठाकुर का चयन MBBS के लिए हुआ है। इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर है। हिमानी ठाकुर एक विशेषज्ञ बनकर अपने क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने MBBS में चयन के लिए कड़ी मेहनत की। प्रदेश में हिमानी ठाकुर ने 32वां स्थान प्राप्त किया है। सुनील ठाकुर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री की कमान विशाल को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 41वां प्रदेश अधिवेशन मंडी के मां भीमा काली मंदिर परिसर में हुआ। अधिवेशन की शुरुआत में मंत्री प्रतिवेदन के साथ वर्ष 2020-21 की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील ठाकुर को दोबारा अध्यक्ष और नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा को बनाया गया। आसन बैराज झील में शुरू हुई प्रवासी पक्षियों की अटखेलियाँ। हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर स्थित देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व आसन वेटलैंड मेहमान परिंदों की अटखेलियाँ से गुलजार है। झील में 1800 से अधिक प्रवासी पक्षियों ने डेरा जमा दिया है। हजारों किलोमीटर दूरी तय करने पर बैराज झील में पहुंचे प्रवासी पक्षी आकर्षण का केंद्र बने हैं। सर्दियां बढ़ने पर इनकी संख्या 5 से 6 हजार तक पहुंच जाती है। 21 नवंबर तक आसन झील में विभिन्न प्रजातियों के पक्षी डेरा जमा चुके हैं। इससे पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। राशन की दुकानों में 2 किलो चरस बरामद, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के जिला कुल्लू के बंजार घाटी के पलहाज में एक राशन की दुकान से पुलिस ने 2 किलो 58 ग्राम चरस की खेप बरामद की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दुकान में चरस कहां से आई, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दुकान पर छापा मारा। घर में आइसोलेट होने वाले मरीजों को देंगे दवा किट और ऑक्सीमीटर। अस्पताल जाने वाले लोगों में अगर कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें घर में आइसोलेट किया जाएगा। उन्हें दवा किट के साथ ऑक्सीमीटर भी दिया जाएगा। अस्पताल प्रशासन यह किट निःशुल्क देगा। पॉजिटिव व्यक्ति घर में आइसोलेशन के दौरान दवाओं का सेवन करने के साथ ऑक्सीजन लेवल की जांच भी कर सकेंगे। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 90% से ऊपर जाता है तो उन्हें अस्पताल आने के लिए 108 एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करना होगा। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। हिमाचल में कोरोना से रोजाना 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। संक्रमण के मामलों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हवा में जमकर घर के पीछे गिरी बुलेट, चालक की मौत। उपमंडल में हादसों का सिलसिला जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में ओवर स्पीडिंग की वजह से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। बीती रात कुंजा मंत्रालयों की नहर रोड पर अचानक ही तेज धमाके की आवाज़ आई। देखने पर पाया गया कि घर के पिछले हिस्से में एक बुलेट गिरी हुई थी। इसे चलाने वाले की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। खाई में गिरी बारातियों की बोलेरो, 2 की मौत 7 जख्मी। राजधानी के मशोबरा क्षेत्र में कल सुबह एक बारात की जीप के गहरी खाई में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य घायल हैं। घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दुर्घटना का कारण बोलेरो जीप की तेज रफ्तार बताई जा रही है। ये हादसा बसंतपुर गुम्मा सड़क पर सुवा क्यार में सुबह 6:30 बजे हुआ। दोनों मृतक शादी समारोह में बैंड बजाने वाले बजंतरी थे। कैंटीन में काम करने वालों को देनी होगी कोविड टेस्ट रिपोर्ट। 7 दिसंबर से तपोवन विधानसभा भवन में शुरू हो रहे शीत सत्र में कैंटीन में काम करने वाले लोगों को कोविड-19 टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी। बिना रिपोर्ट उन्हें कैंटीन में काम करने की अनुमति नहीं होगी। आंगूठकों की भी गेट पर थर्मल स्कैनिंग होगी, जिसमें तापमान अधिक होने पर उन्हें विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। CM ने अनिल पर कसा तंज, बोले साथी बनकर चलते तो बात कुछ और होती। 2 दिवसीय दौरे पर मंडी पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा के बगावती तेवरों पर खूब चुटकियां ली। विपक्षी सदन में
रविवार को जनसंवाद कार्यक्रम में अनिल मंच पर सीएम के साथ तो दिखे, लेकिन उन्हें तरजीह न देते हुए मंच पर बोलने का मौका तक नहीं दिया। इशारों इशारों में मुख्यमंत्री ने अनिल को खरी खरी सुनाने में कसर नहीं छोड़ी।